जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पूर्व छात्रा ईशा को यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा सम्मानित किया गया है। यही नहीं, ईशा का आइडिया पेटेंट के लिए भी दायर किया गया। ईशा वर्ष 2013 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छात्रा थी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने यूरोपियन इंटर पार्लियामेंट्री स्पेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिष्ठित स्पेस सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार समारोह स्पेशल मेंशन ऑफ ज्यूरी श्रेणी में 16 सितंबर को फ्रांसीसी सीनेट पेरिस में आयोजित किया गया। वो अंतरिक्ष स्थिरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली युवा भारतीय वैज्ञानिक हैं। ईशा ने नेक्स्ट जनरेशन के उपग्रहों के लिए एक अभिनव सेलिंग डिवाइस की अवधारणा विकसित की है। इस उपकरण में न्यूनतम क्षेत्र और मास के साथ लगातार ऑर्बिटल डिके रेट को बढ़ाने की क्षमता है। ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को उनके आइडिया की सराहना के लिए दिया जाता है जो अंतरिक्ष के सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। ये पुरस्कार एक युवा वैज्ञानिक के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने का भी मंच है। जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस महान उपलब्धि के लिए ईशा को बधाई दी और आशा की कि ये विश्वविद्यालय की अन्य छात्राओं को बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।